हमारे पास एक सवाल है, वन प्लस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0 से 360 डिग्री के बीच। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये माइनस कॉस टू एक्स के बराबर है, तो हम सीधे लिख सकते हैं वन माइनस टू कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, या फिर इसको सीधे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री। करेक्ट है। तो हम यहाँ से एज पर जनरल सॉल्यूशन का रूल वी कैन राइट इट लाइक टू एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, या एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। अब वैल्यू एक्स की 0 से 360 के बीच में बैरी करेगी, तो हम एन की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक पुट करेंगे। अगर n की वैल्यू 0 हमने पुट करी, जब n की वैल्यू 0 पुट करी तो ये खत्म हो जाता है, x की वैल्यू या तो प्लस पाई बाई सिक्स आती है माइनस पाई बाई सिक्स आती है, बट हम कंसीडर केवल पाई बाई सिक्स को करेंगे, नेगेटिव एंगल इस रेंज के बाहर है। आगे अगर हमने n की वैल्यू 1 करी, जब n की वैल्यू 1 करी तो एक वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, और एक वैल्यू बनेगी पाई माइनस पाई बाई सिक्स, और दोनों के दोनों ही रेंज में आ रहे हैं। एक आ रहा है अपना 7π/6 और एक आ रहा 5π/6। दूसरा, अगर n की वैल्यू हमने 2 करी तो एक वैल्यू हमारे पास बनेगी 2π+π/6 और एक वैल्यू बनेगी 2π-π/6। मतलब हमारे पास दो एंगल बनेंगे, एक बन रहा है 13π/6 और दूसरा बन रहा है 11π/6। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 13π/6 हमारे रेंज के बाहर चला जा रहा है, ये 13π/6 हमारे रेंज के बाहर चला जा रहा है, 360 से बड़ा हो रहा है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इसको इंक्लूड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने वैल्यू है, एक यहाँ, दो यहाँ और फिर एक यहाँ, दो एक तीन, तीन और एक चार, सो वी आर गेटिंग 4 वैल्यू, हेंस आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर